हाय गाइस, वेलकम हो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शैलजा। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि घर में हम कैसा DIY हेयर सीरम प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मॉनसून सीज़न में हमारा बाल काफ़ी ड्राई हो जाता है, रफ़ हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए ये DIY सीरम बेस्ट है। ऐसे होते हैं कि वो शैम्पू रेगुलर बेसिस पे करना पसंद नहीं करते, या फिर कंडीशन लगाना पसंद नहीं करते हैं बालों में, ऑयलिंग लगाना पसंद नहीं करते हैं बालों में, तो उनके लिए ये DIY हेयर सीरम बेस्ट है। आप ये DIY हेयर सीरम एवरीडे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सीरम आपको सिर्फ शैम्पू करने के बाद ही लगाना है, एवरीडे लगा सकते हैं। मैं DIY हेयर सीरम अपने बालों को काफ़ी मैनेजेबल बनाएगा, फ्रिज फ्री बनाएगा, टैंगल फ्री बनाएगा, काफ़ी स्मूथ करेगा, शाइन बनाएगा, बहुत ही सॉफ्ट रखेगा बालों के लिए। तो इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर एवरी दिस DIY हेयर सीरम इज़ सुटेबल फॉर everyone, लड़का हो या लड़की हो, वुमेन हो या मैन हो, सब लोग लगा सकते हैं ये DIY। गाइस, आप चाहे तो ऐसे थिक कंसिस्टेंसी में भी बना सकते हैं, तो मुझे थिक कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड करूँगी। जल ले रही हूँ आपको, जैसे आपको पता है कि एलोवेरा जेल कंडीशन करता है हमारे बालों को, स्ट्रांग बनाता है हमारे हेयर स्ट्रैंड्स को, स्ट्रांग बनाता है और रिपेयर करता है डैमेज हेयर को। रोज़ वाटर रोज़ स्ट्रांग बनाता है और ड्राइनेस को रिड्यूस करता है रोज़ वाटर। ऑयल क्या करता है, हमारे बालों को कंडीशन करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन बनाता है और हमारे बालों को काफ़ी स्ट्रांग करता है, ब्रेकेज से बचाता है, डैमेज हेयर से बचाता है। और आलमंड ऑयल, आपको तो पता ही है आलमंड ऑयल के बारे में, वो हमारे बालों को सॉफ्ट, शाइन और स्ट्रांग बनाता है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है, हमारे बालों में जो शाइन है उसको इंक्रीज़ करता है और हमारे बालों को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल और रोज़ वाटर। अच्छी खुशबू के लिए आप चाहे तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 5 to 6 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं एसेंशियल ऑयल। आप चाहे तो आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप फिल्टर्ड वाटर या फिर डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। आप इस DIY हेयर सीरम को लंबे समय तक रख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही यूज़ कीजिए। यू नो, प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे तो हम उसे लंबे समय तक नहीं रख सकते, नहीं स्टोर कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लिक्विड कंसिस्टेंसी में बनाना चाहते हैं या फिर सॉलिड कंसिस्टेंसी में। सॉलिड कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। DIY हेयर सीरम जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है तो मैं अपने लेंस में लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा हेयर अभी ड्राई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा वेट करूंगी। फिल्टर्ड वाटर लिया है मैंने। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का करना है, ताकि जो भी हम सीरम लगा रहे हैं थोड़ा हल्का वेट करना है।
आपको वेट बालों में लगाना है ताकि वो इवनली हमारे बालों में लग जाए, ड्राई हेयर में आपको नहीं लगाना चाहिए। ये आप ये DIY हेयर सीरम लगा रहे हैं, मेक श्योर आपको लेंथ में लगाना है, स्कैल्प में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ में लगाना है क्योंकि लेंथ में ही हमारे ज़्यादा ड्राई, फ्रिज और डैमेज हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।